नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए वस्त्र विज्ञान एवं परिधान में महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची लेकर के आई हूँ, जो आपके एग्जाम के पर्पज से हमने बनाया है, जो आपके पहले ही से क्वेश्चन आ चुके हैं और आने की भी संभावना है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के धागों से बने वस्त्र। देखिए, सूती जो वस्त्र बनते हैं, सूती वस्त्रों के ये नाम दिए हैं और इसमें सादी बुनाई के द्वारा ये बनाए गए हैं, उनके नाम क्या क्या हैं? वॉयल, फैब्रिक, लॉन, मलमल, ऑर्गेंडी और कैनवास। ये नाम जरूर याद करिएगा, क्योंकि नाम ही केवल पूछता है, लेकिन हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो इस चीज में, तभी उस पर हम टिक कर सकते हैं या मिलान कर सकते हैं। तो इसमें हमारा वॉयल, फैब्रिक, लॉन, मलमल, ऑर्गेंडी और कैनवास, ये क्या है? सूती वस्त्र है और ये प्लेन बुनाई यानी सादी बुनाई से बनाए गए वस्त्र है। नेक्स्ट आते हैं ऊनी वस्त्र। देखिए, क्रेप, ट्वीड और होम स्पन ये मुख्य रूप से होते हैं कि जिससे निटिंग के द्वारा या ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं, इनके नाम है क्रेप, ट्वीड और होम स्पन। नेक्स्ट आते हैं रेशम। रेशम से जो बने वस्त्र नाम है उनका ऑर्गेंजा, वॉयल, क्रेप, सिल्क और टेफ्टा। तो ये क्या है? देखिए, जो ऊनी में भी क्रेप है और रेशम में भी क्रेप है, तो इनकी जो बनाने की जो तरीके होते हैं, सिल्क के में भी क्रेप बनाया जा सकता है और ऊन में भी क्रेप बनाया जा सकता है। तो इससे क्या है कि जो इसमें इस तरह से ऑप्शन में रहेगा कि दोनों चीजें नहीं दी जाएंगी, यानी यदि रेशम का होगा तो रेशम संबंधित चीजें होंगी, ऊन होगा तो ऊन से संबंधित होगा। तो ये जानिएगा, क्रेप से दोनों ही कपड़े बनाए जाते हैं, ऊन से भी बनाए जाते हैं और रेशम से बनाए जाते हैं। तो ऑर्गेंजा, वॉयल, क्रेप, सिल्क, टेफ्टा, ये क्या होते हैं? ये सिल्क से संबंधित, सिल्क के रेशों से बने वस्त्र होते हैं। नेक्स्ट आते हैं लेस का प्रयोग। देखिए, हमने आपको बताया था वीविंग के द्वारा कपड़े बनते हैं, निटिंग के द्वारा भी कपड़े बनते हैं और फेल्ट के द्वारा यानी जमा करके भी कपड़े बनते हैं और लेस के द्वारा भी वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये जो लेस से बने कपड़े हैं, देखिए इसमें इंसर्शन, गैलन, फ्लाउंसिंग और एजिंग। तो इंसर्शन का मतलब जो बीच बीच में रेशे को लगाकर कपड़े को बनाते हैं, उसे इंसर्शन कहते हैं। गैलन क्या होता है? जब कपड़े के दोनों सिरों पर लगाते हैं रेशे को, लेस को, तो क्या होता है? गैलन होता है। फ्लाउंसिंग क्या होता है? जब किसी एक सिरे पर यानी वस्त्र के किसी एक सिरे पर लेस को लगाया जाता है तो फ्लाउंसिंग कहलाता है। एजिंग क्या है? जब कपड़े के किनारे पर लेस लगाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एजिंग कहते हैं। ये नाम याद रखिएगा, इंसर्शन, गैलन, फ्लाउंसिंग और एजिंग, ये लेस लगाए हुए कपड़े होते हैं। नेक्स्ट है हमारा वार्प निटिंग, यानी वार्प निटिंग से जो कपड़े बनते हैं उनका नाम है रेशल, मिलनीज और ट्राइकोट। ये क्वेश्चन आपको आ गया है अभी जून या दिसंबर में, ये क्वेश्चन आया है रेशल, मिलनीज और ट्राइकोट। ये मैं पढ़ा भी चुकी हूँ, आप देख सकते हो वीडियो में डिटेल इसका। नेक्स्ट है हमारा वेफ्ट निटिंग, इसमें रिब, उल्टे फंदे और दोहरी यानी डबल बुनाई की जाती है, हमारी वेफ्ट निटिंग होती है। और जो निटिंग के जो टांके का प्रयोग करते हैं, नाम भी याद कर लीजिएगा, जो निटिंग टांके हैं इसमें आपका है पर्ल निटिंग, पर्ल टाके, प्लेन टाके, टक और मिस। पर्ल, प्लेन, टक और मिस, पर्ल, प्लेन, टक और मिस, ये टाके होते हैं निटिंग के, जिनका उपयोग किया जाता है निटिंग के कपड़ों को बनाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड? ये क्या है? ये एक खोलक पदार्थ है और ये औ क्या होता है? आज्वलनशील होता है। आज्वलनशील का मतलब होता है कि ये जैसे हमारा पेट्रोल क्या है, बेंजीन क्या है, मतलब ज्वलनशील पदार्थ है, इनको मतलब कि यूज करने में सावधानियां बरतनी पड़ती है और बहुत सावधानी से इसका उपयोग करते हैं। लेकिन जो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये हल्का होता है, गंध होता है, हल्की गंध की होती है और ये आज्वलनशील होता है। और इनसे जो होता है, जो चिकनाई घोलक होता है, यानी जैसे कपड़े पर पेंट, वर्निश या कोई चिकनाई चीज लगा हो, जूते की पॉलिश या ग्रीस के धब्बे लगे हो, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड से उसको साफ कर सकते हैं, जो एक आज्वलनशील चिकनाई पदार्थ है। नेक्स्ट आपका अपहोलस्ट्री क्या होता है? ये क्वेश्चन आपका टीजीटी में भी आया है क्वेश्चन। अपहोलस्ट्री क्या होता है? फर्नीचर को ढकने के जो वस्त्र होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? अपहोलस्ट्री। क्या बोलते हैं? अपहोलस्ट्री बोलते हैं, जो किसको ढकते हैं? फर्नीचर को ढकने के लिए यूज किए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने इसकी साइज लिखा है चार रेशों का। कॉटन का 1.5 से 2.5 इंच का होता है और लिनन का 12 से 20 इंच का होता है इसका रेशा।
सिल्क का हमारा क्या होता है, 1200 से 4000 फीट की लंबाई का होता है। नेचुरल फाइबर में सबसे लंबा फाइबर कौन सा होता है, सिल्क का होता है, तो ये जाने रहिएगा। और इसको क्वीन ऑफ फाइबर यानी रेशों की रानी भी कहा जाता है, इसका नाम याद रखिएगा क्वीन ऑफ फाइबर्स। और ये 1200 से 4000 फीट की लंबा होता है और ऊल जो होता है वो 1 से 18 इंच तक लंबा होता है। और इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल फाइबर बोलते हैं, यानी कॉटन को यानी सार्वभौमिक रेशा, और रेशम को क्वीन ऑफ फाइबर्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं ढाका की साड़ियां। देखिए जो ढाका की मशहूर जो साड़ियां हैं, जैसे मलमल की साड़ियां जिसमें आपका तेरछा, जामदानी, पन्ना, हजारे, ये जो साड़ियां हैं ये क्या, इसमें सोने चांदी के तार लगे होते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मुझे उसे जो ब्राइड होते हैं उनके मतलब उस प्रकार के जो कपड़े पहनते हैं उनके लिए कपड़े बनाए जाते हैं। और इसको मैं डिटेल भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आप वीडियो में जाकर के वस्त्र विज्ञान एवं परिधान में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है साइजिंग और सींजिंग क्या होता है। एक साथ मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों में कंफ्यूजन होता है। देखिए साइजिंग क्या होता है, ये वस्त्र की जो सतही सतह होती है, यानी जो सतह होती है, सरफेस होता है किसी भी वस्त्र की, उसकी यदि कोई कमी होती है कपड़े पर तो उसको छिपाने के लिए जो किया जाता है उसे साइजिंग कहते हैं। यानी जो कपड़े होते हैं वस्त्र की सतह पर कोई कमी हो जाती है उसको दूर करने के लिए, उसको छिपाने के लिए जो उस पर परिसज्जा करते हैं उसे क्या बोलते हैं, साइजिंग कहते हैं। जबकि सींजिंग क्या होता है, ये जो कपड़े पर रोए हो जाते हैं, उठी उठी से रोए होते हैं, उनको काटना ही सींजिंग कहलाता है। इसको झुलसाना भी कहते हैं, इसको झुलसा देते हैं हीट के माध्यम से, जिससे उसके जो रोए होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो सींजिंग मतलब झुलसाना, साइजिंग का मतलब उसकी सतह पे जो कमियां हैं उसको छिपाना। नेक्स्ट आते हैं स्किन डाइंग क्या होता है। मैं डाइंग और आपका कलर दोनों पढ़ा चुकी हूँ, डाइंग एंड प्रिंटिंग आप देख सकते हो डिटेल में बहुत अच्छी से, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में ही केवल यहाँ पे बनाया है क्योंकि आपको शॉर्ट से क्वेश्चन उठते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, स्किन डाइंग क्या है, इसमें जो तैयार धागे होते हैं उनको रंगा जाता है किसके द्वारा, स्किन डाइंग के द्वारा, स्किन डाइंग के द्वारा तैयार धागों को रंगते हैं। नेक्स्ट हमारा है वस्त्र के दोनों ओर की जो छपाई की जाती है, यानी वस्त्र को दोनों तरफ एक ही छपाई की जाती है, उसे क्या बोलते हैं, द्विपक्षीय या डुप्लेक्स बोलते हैं, उसको स्टेंस स्क्रीन प्रिंटिंग नहीं कहेंगे, उसको याद रखिएगा। जो वस्त्र के दोनों ओर की जो छपाई होती है वो द्विपक्षीय यानी डुप्लेक्स होती है। नेक्स्ट आते हैं डिस्पर्स डाइंग, ये भी क्वेश्चन आपको आ चुका है। डिस्पर्स डाइंग क्या होता है, इसमें क्षारीय रंगों का प्रयोग करते हैं, यानी जो डिस्पर्स डाइज होता है इसमें क्षारीय रंग का प्रयोग करके वस्त्र को रंगा जाता है। नेक्स्ट हमारा है टॉप डाइंग, टॉप डाइंग में कौन से कपड़े को रंगते हैं, तो टॉप डाइंग के लिए वस्टर्ड ऊनी रेशे को रंगा जाता है। वस्टर्ड ऊनी रेशे को रंगने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, टॉप डाइंग का। देखिए ऊल वस्टर्ड होते हैं, ऊल जो है निम्न क्वालिटी को होता है और जो वस्टर्ड होता है वो उच्च काल मतलब ऊन में उच्च क्वालिटी का कपड़े बनते हैं, उसको वस्टर्ड बोलते हैं। उसकी जो प्रक्रियाएं होती है, प्रसज्जा होती है, वो भी उसकी क्या होती है, अलग होती है। नेक्स्ट आते हैं रंजक, रंजक यानी जो होता है पिगमेंट होता है वो क्या होता है, ये जल में घुलनशील होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आया है आपका, तो रंजक क्या होते हैं, वो जल में घुलनशील होते हैं। संश्लेषित रंग यानी इसको सिंथेटिक रंग बोलते हैं, इसकी सबसे पहले खोज कौन किया है, हेनरी विलियम्स, हेनरी पर्किंस ने इसकी खोज किया है संश्लेषित रंग का। नेक्स्ट आते हैं हमारा क्वेश्चन अम्लीय रंग। देखिए अम्लीय रंग को, अम्लीय रंग से कौन से रेशों को रंगते हैं, तो अम्लीय रस से एनिमल जो फाइबर्स होते हैं यानी ऊन और रेशम को रंगने के लिए अम्लीय रंगों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्षारीय रंग, क्षारीय रंगों का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ये जंतु जगत यानी प्राणी जगत के रेशे प्लस सेलुलोज जो तंतु होते हैं यानी वनस्पति जगत में जो सेलुलोजिक तंतु होते हैं उनको रंगने के लिए क्षारीय रंगों का प्रयोग करते हैं। यानी क्षारीय रंगों के लिए सेलुलोजिक तंतु और एनिमल फाइबर यानी एनिमल जगत के जो तंतु होते हैं उनका प्रयोग मतलब उनको रंगने के लिए प्रयोग करते हैं क्षारीय रंगों का। लास्ट हमारा है क्रॉस डाइंग क्या होता है। क्रॉस डाइंग में क्या होता है कि जब दो प्रकार के रेशे यानी दो प्रकार के रेशे अलग अलग होते हैं और उनको रंगा जाता है उसे बोलते हैं क्रॉस डाइंग। जैसे कॉट्स ऊल यानी कॉटन प्लस ऊल यानी कॉट्स और ऊन से जो बने कपड़े होते हैं उनसे बने जो रेशे होते हैं धागे होते हैं उनको रंगने के लिए क्रॉस डाइंग का प्रयोग करते हैं। यानी कॉट्स ऊल, टेरी कॉट, टेरी ऊल, इस तरह से जो रेशे कपड़े बने होते हैं उनका जो है प्रयोग
मतलब कि उसके लिए क्रॉस डाइंग का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी वीडियो है जिसमें हमने कोशिश की है कि ये सारे क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर सके और ये क्वेश्चन आपके आने की भी संभावना है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।